स्वागत है आपका। क्लास टेंथ सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ा प्यारा चैप्टर है, इसे हम पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? सबसे फर्स्ट जो है इसका टॉपिक बोल लीजिए, या फिर सबसे पहला वर्ड जिसको आपको जानना जरूरी है, स्टिमुली, जिसे आप स्टिमुलस भी बोलते हो। ये सिंगुलर प्लूरल है एक दूसरे के। आपके आसपास जो भी चेंज होते हैं तो आप उसके प्रति रिएक्ट जरूर करते हैं। जैसे कि गर्मी बढ़ गई तो आप कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। कैसे रिएक्ट करेगी? स्वेट निकालकर, यानी कि पसीना बाहर निकालकर। तो जो भी चेंजेस होते हैं आपके आसपास उसके प्रति बॉडी जो है रिएक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं स्टिमुली। जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। आई रिपीट, जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली। ओके, अब प्लांट्स जो है थोड़ा धीरे रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कि रिएक्शन रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। जैसे कि एक गर्म जो है चाय के कप को यदि हम छू लें, कप को क्या कटोरी हो गई, गलती से हाथ लग जाए तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो यह है एक्शन का रिएक्शन, यानी कि चेंज हुआ एनवायरनमेंट में। अब तक हमारी उंगली पर कोई जो है गर्म चीज नहीं लगी थी तो कोई चेंज नहीं था, लगाते ही चेंज हुआ, हीट ट्रांसमिट हुई हमारी स्किन के अंदर, इसलिए हमने हाथ अपना हटा लिया, ब्रेन ने सिग्नल भेजा। ये कैसे कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक खास पेड़ के बारे में बात करनी है जिसे हम बोलते हैं छुई मुई का पेड़, या फिर साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, या फिर टच मी नॉट प्लांट। यानी कि इसे छूते ही क्या करता है, ये अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, लीव्स को फोल्ड कर लेता है। शायद आपने अपने आसपास देखा हो, नहीं देखा है तो आप इस पिक्चर में शायद देख पा रहे होंगे। इसे हम सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं, काफी सेंसिटिव होता है। आप अपने फिंगर्स को किसी भी चीज को इसके पास ले जाओ तो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? जो प्लांट्स है वे नर्वस सिस्टम तो नहीं रखते। क्या प्लांट्स के पास ब्रेन होता है? नहीं होता। सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते, आईज नोज ईयर टंग स्किन नहीं होते। फिर वे रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं? जो चेंजेस होते हैं उनके एनवायरमेंट में, स्टिमुलस जो आते हैं, स्टिमुली जो होते हैं उनके प्रति रिएक्ट कैसे करते हैं? जो प्लांट है वे आपके हॉर्मोन्स रखते हैं, जैसे हम हॉर्मोन्स रखते हैं, जैसे ग्रोथ हॉर्मोन हो गया आपका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन हो गया जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, ऐसे ही ये भी हार्मोन्स रखते हैं। और चार मेन टाइप के हार्मोन्स हमें आगे पढ़ने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपका क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, फिर आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। सही हिंदी भाषा में बताऊं, मतलब हिंदी जो इसका मीनिंग है वो बताऊं तो तालमेल, पेड़ जो है तालमेल कैसे मिलाता है अपने दूसरे पार्ट्स के साथ, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए वो किस चीज का यूज करता है? वो यूज करता है हॉर्मोन्स का, वही हमें पढ़ते हैं। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, ठीक है? तो वे टर्म्स क्या क्या है देख लेते हैं। बिफोर वी डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कई प्रकार के प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, हमें जान लेना चाहिए मीनिंग क्या होता है डोरमेंसी का और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई सीड है, बीज, उसे मैं ऐसे ही रख दूं तो क्या वो उग जाएगा? नहीं उगेगा। तो ये कंडीशन होगी डोरमेंसी की। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं दी, ऐसी कंडीशन नहीं दी जो उसके अनुकूल हो, मतलब जो मदद करे उसे उगने में, उस सीड में से जो है आपका, उस सीड में से अंकुर फूटने में हेल्प करे, मतलब उसे एक प्लांट में ग्रो करने में हेल्प करे। क्या क्या कंडीशन होती है नेसेसरी आपको पता होगी, सोइल, एयर, वॉटर, ये सारी चीजें, इनकी जरूरत होती है। तो उसे जमीन में बोना होगा, सोइल में, तभी तो वो जो है उग पाएगा। अब जब मैंने उसे जमीन में बो दिया तो वो उगेगा, इसे हम बोलेंगे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, यानी कि डोरमेंसी का ब्रेक होना। अब ये जो है इनएक्टिव स्टेट में नहीं है, इनएक्टिव स्टेट में नहीं है। पहले वो इनएक्टिव स्टेट में था, इनएक्टिव का मतलब जो स्टेट एक्टिव ना हो, जब सीड की फॉर्म में था तो इनएक्टिव स्टेट में। अब वो जो है, जब आपने उसे फेवरेबल कंडीशंस दी, मतलब सोइल, वाटर, एयर, सनलाइट, तो वो जो है आपका ग्रो कर जाएगा एक प्लांट में। पहले उसकी रूट्स आएगी, फिर स्टेम्स, फिर लीव्स,
लीव्स आ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ी चुके हैं जिससे कि फूड बनाते हैं अपना, कौन कौन प्लांट्स, और उससे वे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका यूज हम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि एनर्जी गेन करने के लिए। ये सब हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लांट हॉर्मोन्स जिन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, चार हैं, ऑक्सिंस, गिबरलिंस, साइटोकिनिंस, एब्सिसिक एसिड। आई रिपीट, ऑक्सिंस, गिबरलिंस, साइटोकिनिंस, एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABAB बोल देते हैं। अब इनका क्या क्या काम होता है? ऑक्सिंस जो होते हैं वे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट्स। अब ये जो सेल इनलार्जमेंट है, सेल डिफ्रेंशिएशन है, इनका हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना है 10th क्लास में। तो आप हायर एजुकेशन मतलब 11th में बायोलॉजी ऑप्ट करोगे तो वहां पर शायद आपको इनका मीनिंग पता चले डेप्थ में। तो आपको केवल इन्हें लर्न करना है। तो सेल डिफरेंशिएशन और सेल एनलार्जमेंट में आपके हेल्प करते हैं। दूसरा, ये हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्रूट की ग्रोथ को, मतलब जो फ्रूट आता है पेड़ के ऊपर उसकी ग्रोथ को भी ये प्रमोट करते हैं। तो ये तीन वर्क इनके हो गए। इंपॉर्टेंट वर्क जो है उसे समझ लेते हैं, या फिर उसे चलो आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सिन का एक काम होता है। अब गिबरलिंस को देख लेते हैं। गिबरलिंस जो आपके वे प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन, ये भी सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन ऑक्सिन्स की प्रेजेंस में, ऑक्सिन की एब्सेंस में नहीं, ऑक्सिन की प्रेजेंस में। चलो ये तो सेम हो गया इनका वर्क। एक इनका काम होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका, वो है डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करना। जो डोरमेंसी हमने अभी पढ़ी थी, इनएक्टिव कंडीशन, उसे ब्रेक करने का जो काम करता है वो करता है कौन? गिबरलिंस। और इसका क्या काम होता है? प्रमोट करना ग्रोथ को फ्रूट्स के अंदर। तो तीन चीजें तो हो गई, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करना, ये ऑक्सिन के काम हो गए। गिबरलिंस में एक चीज जुड़ गई, क्या? डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अब साइटोकिनिंस, ये प्रमोट करता है सेल डिविजन को, मतलब सेल को डिवाइड करने का काम। सेल डिवाइड होगी तभी तो सेल बढ़ेगी। सेल को डिवाइड करने का काम जो होता है साइटोकिनिंस का होता है। और ये डिले करते हैं एजिंग में लीव्स, यानी कि लीव्स जो है उनकी जो एज है उसमें डिले करते हैं, जिससे कि वे जो आपका अपना काम करते रहे। क्या काम होता है लीव्स का? मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस का, और वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज। और ये भी ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में हेल्प करते हैं सीड्स और बर्ड्स की। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स, और प्रमोट करते हैं सेल डिविजन। इसके तो तीनों फंक्शन देखो अलग ही हो गए। या आप कर सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। एब्सिसिक एसिड, ये ऐसा होता है, जो कि आपका रोकता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी को, रोकता है, मतलब कि ये नहीं चाहता कि सीड जो है आपका एक प्लांट में कन्वर्ट हो। देखो ये ऐसा है एब्सिसिक एसिड, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। आई रिपीट, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी को नहीं। ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कराता है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कोई बुरी बात नहीं है। जब CO2 बाहर निकाल, O2 बाहर निकाल दी फोटोसिंथेसिस होने के बाद, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा को बंद करने का काम इसका है। लीव्स को, पत्तियों को, पेड़ के नीचे झड़ जाती है पत्तियां वगैरह, उनको गिराने का काम भी इसी का ही है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स, क्या ट्रोपिज्म होता है, कितने टाइप के ट्रोपिज्म होता है, इन्हें पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।